हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं चैप्टर टू पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर टू पॉलिनोमियल। चैप्टर वन हमने करा दिया है पिछले कुछ वीडियोस में, आप यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर टू के लिए बता दूं मैं, इसमें चार एक्सरसाइज है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। लेकिन हम लोगों को बोर्ड एग्जाम के व्यू से तीन एक्सरसाइज करना है, 2.4 जो है वो ऑप्शनल है, हम लोग को नहीं करना। ठीक है, तो 2.3 तक करेंगे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर आपका वीडियोस कुछ वीडियोस मिल पा रहा है यूट्यूब में, कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो वैसे बच्चे को मैं बता दूं, जो भी वीडियो आपको मिल रहा है उसके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाइए, उसमें आपको दूसरे वीडियो का लिंक आपको मिल जाए। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे वीडियोज के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे वीडियोज का लिंक रहता है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 2.1। देखिए एक्सरसाइज 2.1 से मैं आपको बता दूं, हर साल बोर्ड एग्जाम में एक मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, एकदम फिक्स, 100% फिक्स रख लीजिए। मतलब ये समझ लीजिए कि ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने मार्क्स के लिए? 1 मार्क्स के लिए। आता क्या है इसमें, आपको एक ग्राफ दे देगा और बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन से समझाते हैं कैसे करेंगे। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में बहुत सारा ग्राफ है, देखिए बहुत सारा ग्राफ है, ग्राफ आपको दे देगा और इसी के व्यू से बोलेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। क्वेश्चन कैसे लिखेगा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, बस यही क्वेश्चन बोलेगा। और आपको क्या करेगा, एक छोटा सा ग्राफ दे देगा, जैसे मैं करता हूं, देखिए इसका पहला नंबर का ग्राफ क्या है, ऐसे, मतलब एक एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये ओरिजिन है हमारा, ग्राफ ऐसे दिया हुआ, ये छोटा सा ग्राफ है। ठीक है, आपको क्या बोलेगा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो देखिए करना क्या है आपको इसमें, एक नंबर के लिए एग्जाम में आप कैसे लिखिएगा, क्या करना है आपको, क्या बोला है आपको, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। देखिए और बगल में पी एक्स करके भी कुछ लिख देगा। ठीक है, तो देखिए एक्स एक्सिस से ग्राफ जितना बार कटेगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरोस होगा। याद रखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, देखिएगा ग्राफ में गौर से कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को, वाई को नहीं, एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है वही हमारा नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। तो इस पहले क्वेश्चन में देखिए, ये मेरा ग्राफ है, ये लाइन जो है मेरा, ये ग्राफ है, ये देखिए एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा, कट किसको कर रहा है, सिर्फ वाई एक्सिस को। लेकिन नियम क्या कहता है, कट करना है हमको एक्स एक्सिस को, ये तो नहीं कर रहा है, इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, देखिए एग्जाम में कैसे लिखिएगा, ऐसे इसके जस्ट नीचे लिखिएगा क्या, सिंस द ग्राफ डू नॉट कट एक्स एक्सिस एट एनी टाइम, एक बार भी कट नहीं कर रहा, इसीलिए देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस px इज इक्वल टू जीरो। बस यही आपको एग्जाम में करना है, आपको 1 out of 1 मिलेगा। अगर सपोज आप गलती से ये लैंग्वेज भूल जाते हैं, ऐसे कोशिश कीजिएगा याद रखने का, अगर बाय चांस आप भूल जाते हैं तो क्या कीजिएगा, डायरेक्ट आप px बराबर जीरो भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा पूरा लिखिएगा, तो आंसर का वेटेज बढ़ता है, एक नंबर पूरा मिलेगा आपको। ठीक है, तो करना क्या है आपको, एक्स एक्सिस में देखना है जो ग्राफ है वो कितने बार काट रहा है, वही आपका हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस। और कुछ क्वेश्चन से देखिए 2.1 में, जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसे है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, देखिए ग्राफ इसका है कुछ ऐसे, ये मेरा ग्राफ है, ये वाला, ये जो जा रहा है ऐसे ऐसे, ये ग्राफ है, हमको क्या निकालना है इसमें, नंबर ऑफ जीरोस। तो देखिए गौर से एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितने बार कट कर रहा है, यहां से देखिए, यहां से गया 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 गया, एक बार सिर्फ, कितने बार कट किया है, एक बार, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कैसे होगा, 1 होगा। तो यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, द ग्राफ डू नॉट, नहीं लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे, द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट 1 टाइम। इस क्वेश्चन के लिए क्या लिखेंगे, द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट 1 टाइम, therefore number of zeros px बराबर 1। बस समझना, लैंग्वेज बिल्कुल सेम रहेगा आपका सब क्वेश्चन, बस आपको ध्यान क्या देना है, y में आपको ध्यान नहीं देना,
आपको ध्यान देना है एक्स एक्सिस में कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। देखिए कुछ और क्वेश्चन है, जैसे थर्ड नंबर, इसका आंसर वन हो जाएगा। थर्ड नंबर के लिए देखिए, ये मेरा एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस। थर्ड नंबर का ग्राफ कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा। इसमें गौर से देखिए एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, एक यहां पर, फिर गया 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 यहां पर एक दो, और वहीं जाते जाते एक, कितने बार कट कर रहा है, तीन। तो आप लैंग्वेज कैसे लिखिएगा, फिर से यहां पर द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट थ्री टाइम, कितने टाइम कर रहा है, एक दो तीन, यहां पर लिखेगा थ्री टाइम। देयरफॉर नंबर ऑफ जीरो पीएक्स बराबर थ्री हो जाएगा, मतलब इसका आंसर कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो तीन हो जाएगा। समझ में आया। उसी प्रकार कुछ और क्वेश्चन है, छह क्वेश्चन है पूरे। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस। देखिए ये मेरा ग्राफ, ये जो यू टाइप का शेप है, ये मेरा ग्राफ। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितने बार कट कर रहा है, वन, ये वन टू टाइम्स कट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ जीरोस टू, इसका आंसर टू हो जाएगा। लेट मी फिर से वही लिखिएगा, द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट टू टाइम, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस पीएक्स बराबर यहाँ पर टू आया। समझ में आया। इसे कुछ और एग्जाम्पल्स मैं देता हूँ, देखिए खुद से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे देखिए सपोज ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन। देखिए क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, ऐसे, तो ऐसे में थोड़ा पहचानने में दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा कि सर ये कैसे होगा, क्या लिखिए इसको। तो गौर कीजिएगा, अगर टच होके भी गुजरता है कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को, अगर टच होके भी जा रहा है, तो ऐसे केस में हम उसको एक मानते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, वन होगा, याद रखिए, ठीक है। यहां पर नंबर ऑफ जीरोस का वन होगा, लैंग्वेज वही रहेगा, ठीक है, वन लिख दीजिएगा। उसी प्रकार कुछ और क्वेश्चन, जैसे देखिए ये ओरिजिन है हमारा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ऐसे सपोज कोई क्वेश्चन ऐसे है, इसका क्या लिखेंगे, यहां पर गौर कीजिए एक्स एक्सिस को एक ही बार टच कर रहा है, भले वो ओरिजिन से जाए, लेकिन एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हम क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे। समझ में आया। तो उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और याद रखिएगा ये एक नंबर में हर साल जैक बोर्ड में क्वेश्चन पूछता ही है, आप कोई भी सेट उठा कर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर टू में ये क्वेश्चन जरूर रहेगा, सो बात, ठीक है। तो ऐसे बनेगा ये, आपको करना क्या फिर से मैं बता दूं, एक्स एक्सिस में देखना है ग्राफ कितने बार कट कर रहा है, कट करने बाद उसको गिनती कर लेना है, और फिर कुछ लैंग्वेज जो हमने शुरू में लिखा था उस लैंग्वेज के अनुसार उसका आंसर ले लेना है, ठीक है। देखिए